बोहरा समाज के 53वें धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना आली कदर मुकद्दल सैफुद्दीन साहब का रविवार शाम डही नगर आगमन हुआ। सैयदना साहब के डही पहुंचने पर समाजजनों में काफी उत्साह का माहौल दिखाई दिया। समाजजनों ने अपने अपने घरों पर साज सज्जा कर खुशी जाहिर की। सैयदना साहब की एक झलक मिलते ही मोला मोला की सदाएं गूंज उठी। सैयदना साहब ने हाथ ऊपर करके सबके हक में दुआएं की। उन्होंने कहा, सबकी जिंदगी में खुशहाली हो और रोजी में बरकत आए। एक इमाम हुसैन के अलावा जिंदगी में कोई गम ना हो। बुरहानी सुरक्षा गार्डों के बीच वे डही पहुंचे। प्रशासन ने भी सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए थे। उनका काफिला पुराना बस स्टैंड से सदर बाजार पुराना झंडा चौक होते हुए स्थानीय बोहरा मस्जिद पहुंचे। उनका रास्ते में सभी धर्म के लोगों जन प्रतिनिधियों द्वारा स्वागत किया गया। समाज के प्रवक्ता अब्दुल्ला बोहरा ने बताया कि शाम को स्थानीय मस्जिद में सैयदना साहब की समाजजनों को दीदार कर कदम बोसी की रस्म अदा कराई गई। वहीं सैयदना साहब की इमामत में मगरिब की नमाज भी अदा की। इसके बाद वह बोहरा समाज के चिन्हित घरों में पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग 7 निकाह भी करवाए। वहीं देर रात सैयदना साहब ने स्थानीय समाज सेवी हकीम भाई बोहरा के निवास पर कयाम किया। दूसरे दिन सैयदना साहब डही में रुकेंगे, जहाँ वह बाकी बचे समाजजनों के घरों में भी जाएंगे। इसके पश्चात देर शाम को बड़वानी के लिए यहां से रवाना हो जाएंगे। सैयदना साहब के डही प्रथम नगर आगमन पर समाज सेवी श्री अब्दुल्ला बोहरा ने बताया कि समाज को काफी दिनों से इस घड़ी का इंतजार था। उन्होंने कहा कि सैयदना साहब का डही आना हमारे लिए काफी खुशकिस्मती है। डही से शाहरुख बलोच की रिपोर्ट। Ben.
आगे जाओ, पीछे आ जाओ भाई, पीछे आ जाओ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।